सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज ये वाला वीडियो में गाइज ऑल सारे जितने भी रेडमी डिवाइस है गाइज, ठीक है, रेडमी या फिर रियलमी भी, ठीक है, मैं ये नहीं कि आपको गाइज रेडमी में ही ये वर्क करेगा, ठीक है, जितने भी रेडमी और रियलमी जो भी है लो एंड डिवाइस जिसका भी है, ठीक है, उसमें अगर जायरो वर्क होता है तो गाइज क्या सेंसिविटी आपको रखना, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, आपको लास्ट तक देखना, ठीक है। और मैं सेंसिविटी भी दिखाऊंगा मैं कितना रखा और मेरा स्कोप क्यों नहीं हिलता, ठीक है। मैं जो भी मॉन्टाज वगैरह बनाता हूँ बहुत लोग पूछते हैं भाई अपना सेंसिविटी दिखा दे, तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेंसिविटी भी दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप रेड डॉट स्कोप 3x 4x सारा कुछ का सेंसिविटी यहाँ पर रिकॉइल भी चेक कराऊंगा कि मेरा सही है या नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइज आपको क्या क्या लेना, पहले ट्रेनिंग मोड पे आ जाना, ठीक है, अपना सेंसिविटी सेटिंग करने के लिए, ठीक है। एक M4 लेना है आपको, कंपनसेटर, एक एंगल ग्रिप और एक मैग, ठीक है। और गाइज यहाँ पर 4x 3x 2x और रेड डॉट ले लेना है ताकि हम सारा कुछ यहाँ पर चेक करेंगे और आपको भी ट्रेनिंग मोड पे आपके सही करना है। तो गाइज ये था हमारा 6x का स्प्रे। अब बैठ के हम दिखा देते हैं आपको स्प्रे 6x का, ठीक है, जिसको हम 3x के कन्वर्ट किए, ठीक है। तो गाइज ये था मेरा 6x को जो 3x पे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसका सेंसिविटी चलिए हम इसको दिखा देते हैं, ठीक है। आपने रिकॉइल तो देख ही लिया, तो चलिए दिखा देते हैं। तो गाइज हल्का बहुत लैग हो रहा है, इसका आपको माइंड नहीं करना क्योंकि गाइज लो एंड डिवाइस है, ठीक है, और जायरो ऑन है और रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो ये गाइज मेरा कैमरा सेंसिविटी, तो मैं यहाँ पर रेड डॉट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर जीरो रखता हूँ क्योंकि मैं ओनली फॉर जायरो से ही खेलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप थर्ड पर्सन नॉइस को देख लो कैमरा सेंसिविटी का हमारा कितना 133, ठीक है। और गाइज यहाँ पर है ADS का थर्ड पर्सन नॉइस को पे हमारा 110, ठीक है, 110 कर लेना, बाकी सब 0-0। और यहाँ पर है गाइज हमारा जायरोस्कोप आप देख सकते हो जो है वो पूरा 400 है, नो स्कोप, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा 6x को जो 3x पे मैंने कन्वर्ट किया यहाँ पर जो है, तो ये देख लो गाइज यहाँ पर है 224, ठीक है गाइज 224 है, ठीक है। तो आप इतना आपको रख लेना है, ठीक है, या तो आप एक दो पॉइंट बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अब आते हैं यहाँ पर 4x में, ठीक है। तो चलो 4x पे आते हैं और आपको दिखाते हैं इसका रिकॉइल। तो ये हो गए हम स्टैंड अप, और देखो तो ये थे हम गाइज यहाँ पर खड़े से मारे, अब हम बैठ के मारेंगे यहाँ पर, देख लो इसका स्प्रे। अब तो देख सकते हो क्राउच में मतलब बहुत ही अच्छा चलता है, ठीक है। तो इसका सेंसिविटी देख लो आप 4x का, तो 4x का गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो 222, ठीक है, 222 आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है गाइज हमारा जायरोस्कोप यहाँ पर 222 आपको कर लेना है, ठीक है। और अगर आप गाइज ADS और कैमरा आप थोड़ा थोड़ा बहुत आप रख भी सकते हो तो रख लेना, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं एकदम नहीं रखता हूँ, ठीक है, सब सारा कुछ जीरो पे ही रखता हूँ। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट स्कोप की ओर, तो नेक्स्ट स्कोप हमारा रेड डॉट, तो रेड डॉट को यहाँ पर हम चलिए स्प्रे चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्राउच होकर पहले हम दिखाते हैं आपको, तो ये थे गाइस क्राउच स्प्रे। अब गाइस हम थोड़ा सा खड़े होकर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो गाइस रेड डॉट जो है हमेशा मतलब सही काम करता है, ठीक है, आप क्राउच होकर मारो या कैसे भी मारो, ठीक है। तो यहां पर इसका सेंसिविटी आप देख लो रेड डॉट का गाइस, यहां पर हमारा जो जायरोस्कोप है, तो यहां पर आप देख सकते हो नीचे रेड डॉट हमारा है 320, ठीक है, तो आपको 320 कर लेना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ये आप कर लेना। अब बढ़ते हैं हम गाइस नेक्स्ट स्कोप की तरफ, तो आप जो भी आपका कैमरा और रेडियस है आप हल्का बहुत रख सकते हो, बाकी ये है मेरा जायरो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब चलो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्कोप बताता हूँ, ये 2x गाइस, तो चलिए 2x का स्प्रे चेक करते हैं। तो गाइस अब हम क्राउच होकर दिखा देते हैं, तो चलिए गाइस अब 2x का भी आपको सेंसी हम दिखा देते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 2x हमारा लिटरली 300, ठीक है, तो 300 आप कर लेना 2x को, ठीक है। तो अभी गाइज हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर जो हमारा 6x है इसे हम थोड़ा सा मतलब फुल कर देते हैं, ठीक है, जब हम हाफ किए थे 3x पर कन्वर्ट किए थे 6x को, अब इसे हम फुल कर देते हैं, इसका रिकॉइल देख लो आप। तो ये था गाइज फुल, अब क्राउच होते हैं थोड़ा सा, तो ये था हमारा फुल 6x स्प्रे, ठीक है। तो गाइस इसका सेंसिटिविटी आप देख लो फुल 6x का, तो यहां पर आप एकदम नीचे देख सकते हो फुल सेंसिटिविटी 6x का हमारा कितना है, 203 है, ठीक है, तो आप 203 कर लेना, या फिर आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो या फिर हल्का सा घटा भी सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और गाइज बात करते हैं नो स्कोप की, तो यहां पर आप देख लो इसका भी मेरा, तो चलिए क्राउच होकर दिखा देते हैं,
चलिए एक बार आप नो स्कोप भी देख लो हमारा, ठीक है? तो चलिए नो स्कोप दिखा देते हैं आपको हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जायरोस्कोप, नो स्कोप थर्ड पर्सन जो नो स्कोप यहाँ पर फर्स्ट में शो हो रहा है वो हमारा 400 मतलब पूरा फुल्ली है, ठीक है? जो ये देख सकते हो आप मूवमेंट आपका इससे फास्ट होगा, ठीक है? मतलब आप चलते चलते ना आप मूवमेंट बहुत ही फास्ट कर सकते हो अपना, ठीक है? आपको मतलब थंब से मतलब घिसने कोई दरकार ही नहीं, देखो बस आपको अपने फ़ोन को बस मूव करना है जायरो का, ठीक है? देखो मतलब फुल रखोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपका ज़्यादा ही लो एंड डिवाइस है तो गाइस आप फुल मत रखना, कम कर लेना हल्का सा, नहीं तो काफ़ी लैग देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था। और 8X का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि गाइस 8X हर कोई अपना हिसाब से रखता है, क्योंकि वो स्नाइपर है और स्नाइपर सब गाइस कौन कितना मतलब रख सकता है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल में न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस यहाँ पर हमारा थोड़ा सेंसिटिविटी आप देख सकते हो, मैंने सारा कुछ दिखा दिया आपको क्या कुछ रखना। आप अगर कैमरा और रेडियस मैंने जैसे बताया कि मैंने नहीं रखा, आप रख सकते हो थोड़ा थोड़ा आप रख लेना। और ये मेरा जायरोस्कोप है, आप ये भी रख लेना, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।